If you follow these, I am sure you will see good results. Thinking of you, thinking of you. Welcome back to my channel. I know teenagers face a lot of problems in terms of the skin and वो confused होते हैं कि हम कौन सा एक specific routine follow करें जिससे कि हमारी skin अच्छी रहे और हमें अच्छे results मिले और हमें pimples, blackheads, whiteheads etc. नहीं हो. So if yes you, अगर आपको भी ऐसा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि हम क्या specific routine follow करें और confused हो, so see guys, if you follow these, I am sure you will see good results. But be consistent. ऐसा मत करना कि 3-4 दिन use किया और फिर किया ही नहीं. See everything takes time. You also know that. So बस अपने एक हर दिन रोज एक ये follow कर लो कि रोज ये करना है and you will see good results. अच्छे से use करोगे तो, so yeah, अच्छे से use करना, रोज use करना, अपने skin care में fix कर लो, like skin care में क्या fix कर लो कि ये चीजें करनी है, you will definitely see the good results. And face wash. I know. ये तो सब करता है, बेसिक सी चीज़ है. सबसे पहला स्टेप है हमारा फेस वॉश. ऑब्वियसली वी नीड टू क्लीन आवर स्किन सबसे पहले. सो आप कोई भी फेस वॉश से वॉश कर सकते हो अपना फेस अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. वट एवर स्किन यू हैव, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली, जो भी स्किन है उस हिसाब से आप फेस वॉश चूज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो. बट मुझे पता है आप लोग बोलोगे हमें आता है फेस वॉश को कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फेस वॉश करते हैं. बट सी, आई नो मोस्टली लोग गलत तरीके से उसके यूज़ करते हैं, गलत तरीके से फेस वॉश करते हैं और फिर उसका कोई मतलब नहीं है. सी, यू ऑल्सो नो दैट कि अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए, जो ऑब्वियस ही बात है, हमें उसको सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा. सो इसलिए फर्स्ट चीज़ बहुत बेसिक है, बट आई नो लाइक हमें पता नहीं होता कि हमें कितनी बार वॉश करना है फेस या फिर, बट ट्वाइस अ डे इज इनफ, नॉट मोर देन दैट. लाइक एक बार मॉर्निंग में एंड एक बार बिफोर गो टू बेड रात को, दैट्स इट्स मोर देन इनफ. उससे ज़्यादा हमें हमारा फेस वॉश नहीं करना चाहिए. सेकेंड स्टेप, लाइक ज़्यादा कोल्ड वाटर भी हमारी स्किन के लिए बहुत डेंजर है, देन ज़्यादा हॉट वाटर भी हमारी स्किन के लिए बहुत डेंजर है. सो हम कौन सा पानी यूज़ करें? तो यूज़ ल्यूकवॉर्म वाटर, जो कि हमारी स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है. थर्ड चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट होती है, सर्कुलर मोशंस में हमें हमारा फेस वॉश करना चाहिए, वेरी जेंटली, लाइक यूज़ योर फिंगर्स, फिंगर टिप्स बेसिकली. अगर आप इनमें से कोई चीज़ नहीं करते हो तो उसको करना स्टार्ट कर दो, करते हो तो बहुत ही अच्छी बात. टोनर एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टोनर है. अब ज़रूरी नहीं है मैं आपको बोल रही हूँ टोनर परचेज करो ना, ऐसा कुछ नहीं है. एक नॉर्मल जो रोज़ वाटर होता है, जो कि हम सबके घर में जो गुलाब जल जिसे हम कहते हैं, जो कि मिल ही जाता है हम लोगों को, तो उसको क्या करना है, आप उसको कॉटन पैड से भी अपने फेस पर लगा सकते हो. और सेकेंड चीज़ क्या कर सकते हो, जो कि मेरी फेवरेट है एक्चुअली, मैं जो मैं करती हूँ, जो कि जो रोज़ वाटर है मैं उसको स्प्रे की बॉटल के अंदर फिल कर लेती हूँ एंड जस्ट आई स्प्रे इट एंड या दैट्स इट. पीएच लेवल जो होता है वो मेंटेन होता है. आप देख सकते हो टोनर के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं. ये हमारी स्किन को बहुत 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 प्रोटेक्ट करता है. और थर्ड स्टेप दैट इज मॉइस्चराइजर, जो कि जनरली सब लोग यही करते हैं, लाइक सब लोग फेस वॉश करते हैं एंड देन मॉइस्चराइजर लगाते हैं फेस में एंड दैट्स इट. तो ऑब्वियसली बात है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बस हाँ मॉइस्चराइजर है कि हमें ये लगाना चाहिए. ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि भाई मेरी ड्राई स्किन है मुझे लगाने की ज़रूरत है, पर मेरी ऑयली है मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है, मॉइस्चराइजर आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगाना ही चाहिए, ठीक है. क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, लाइक अब मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो, यू कैन कंटिन्यू दैट, आप वो लगा लो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, बट उसको लगाओ ज़रूर, ठीक है. कभी उसको स्किप मत करना, चाहे कुछ भी हो, बस उसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है. मैं न्यूट्रीडोम का मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, बट आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो है, बिकॉज मैं लाइक मुझे एक साल हो गया है, मैं एक साल से ज़्यादा उसको यूज़ कर रही हूँ और वो मेरी स्किन को सूट भी कर रहा है, तो इसलिए वाई नॉट. नेक्स्ट इज सनस्क्रीन. वेन एवर यू आर स्टेपिंग आउट, लाइक कहीं भी बाहर जा रहे हो, तो सनस्क्रीन लगाना इज मस्ट. सी, सनस्क्रीन तो लगानी ही चाहिए. यू नो सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो टैनिंग हो जाएगी, सनबर्न हो जाएगी. सनस्क्रीन तो लगानी है, जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं बिना सनस्क्रीन के कहीं मत जाना, नहीं तो टैनिंग, सनबर्न, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. सो इट्स बेटर, अगेन ये हमारी स्किन के लिए तो अच्छा नहीं है. हमें ऑब्वियसली बात है हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए, हमारी स्किन को हमें अच्छा करना है, सो डेफिनेटली हमें ये सब चीज़ें लगानी ही पड़ेंगी. सो कहीं भी बार जाइए तो लिख ही लो कि हमें सनस्क्रीन लगानी ही है. करती हूँ लैक्मे की सनस्क्रीन, आपके ऊपर है आपको कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी है, बट
इसको लगा लो, रोज़ लगाओ। मुझे पता है लाइक कि लोग पूछते हैं कि रोज़ लगाने क्या घर में भी होना, घर में भी लगानी चाहिए सनस्क्रीन, इट्स बेटर, कोई नुकसान नहीं करेगा, इट्स बेटर, तुम्हारी स्किन ही एक्चुअली में प्रोटेक्ट रहेगी, तो वाई नॉट टू प्रोटेक्ट योर स्किन। ये लास्ट स्टेप है, आई नो यू गाइज विल बी लाइक कितने स्टेप्स हैं यार, बस अब तो बस, बट सी हम लोग जनरली मॉइस्चराइजर, फेस वॉश एंड ये सब तो बेसिक चीज़ है जो हम करते हैं, बट क्लिप्स को तो हम देख, क्लिप्स भी तो हमें फोकस करना है, बिकॉज वो भी तो हमारा फेस का पार्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें उसका भी तो केयर करनी है, उसकी भी केयर करनी है हमें। सो यूज़ एक स्पेसिफिक कोई लिप बाम, देखो कोई भी लिप बाम यूज़ कर लो, मैं बेब लिप्स यूज़ करती हूँ मेबेलिन की, अगेन आप कोई भी आए, बहुत सारी लिप बाम्स आती है, बट कोई भी अच्छी लिप बाम यूज़ करो, ठीक है, करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें हमारा फेस ही सही करना है, लिप्स नहीं, रोज लिप्स पे लिप बाम लगानी ही चाहिए, लाइक लगानी ही चाहिए, बस दैट्स इट, बेसिकली एक लिप बाम यूज़ करनी है। मैंने काफ़ी सारी लिप बाम यूज़ किया टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे पता नहीं क्यों मैं बार बार वही बेबी लिप्स पे वापस आ जाती हूँ, मुझे वही अच्छी लगती है, पता नहीं क्या है। एक और चीज़ प्लस प्लस प्लस, पानी पीना, पानी पानी पानी, ये बहुत जगह सुना होगा, कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा कि पानी हमारी स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर। अब ये मत करना कि इतना पानी पी लो कि बस वॉशरूम में बैठे रहो, ऐसे भी मत करना, बट लिमिट में पानी पीना, बट पीना ज़रूर, आधी से ज़्यादा चीज़ें पानी से ही हमारी है ना बॉडी, जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो आधी से ज़्यादा पानी ख़त्म कर देता है, सो ऑब्वियसली ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो। सो बेसिकली अब हम एक क्या चीज़ें हमें एक्चुअली में स्टेप्स फॉलो करने हैं, फेस वॉश, जिसके अंदर 3 सब पॉइंट्स थे कि हमें कैसे फेस वॉश यूज़ करना है, दैट टोनर आप रोज वाटर यूज़ कर सकते हो या कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो, देन थर्ड वी हैव मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, वट एवर स्किन यू हैव, वट एवर स्किन टाइप यू हैव, उसके अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। सेकेंड सनस्क्रीन, जो कि इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम बाहर जा रहे हैं, बल्कि घर पे भी सनस्क्रीन यूज़ करा करो। फिफ्थ इज़ लिप बाम, सो बेसिकली वी हैव 5 स्टेप्स जो कि हमें यूज़ करने हैं। सो लिप बाम कोई भी यूज़, अगेन कोई भी लिप बाम, कोई स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, मैं कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि इसकी यूज़ करनी है, बट ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें हमारे स्किन केयर में ये चीज़ें मतलब इन्वॉल्व करनी चाहिए। अब अगर आप टीनेजर हो ना, अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, मैं ये नहीं बोल रही ये वाला मास्क लगाओ, ये लगाओ, ये भी करो ना, इट इज़ मोर देन इनफ, लाइक लिटरली मोर देन एनफ। आप ये सब चीजें स्किन केयर फॉलो करो, इट्स टू गुड, लाइक इट्स एक्चुअली गुड, ये फॉलो कर लो, यू आर गुड टू गो, आपकी स्किन देखना आपको खुद को लगेगा कि कितनी चेंज हो गई। नो ये सारी चीजें जो है बहुत ही बेसिक स्टेप्स है, लाइक फेस वॉश एक बेसिक है, और फिर हम लोग ने टोनर लगाया, टोनर दो यूजुअली पीपल डोंट फॉलो, बट टोनर एक बहुत 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 अच्छा है, आई थिंक अगर आप अपने रूटीन के अंदर इसको ऐड कर लोगे ना, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। हमें पता सब कुछ होता है कि पानी पीने से मतलब सारी ऑलमोस्ट जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो सही हो जा रही है, पानी पीना अच्छा होता है, इवन ये भी पता होता है कि ठीक है मॉइस्चराइजर लगाना होता है, सनस्क्रीन लगाते हैं जब बाहर जाते हैं, लिप बाम लगाओ, ये सब बहुत जनरल और बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, पता होता है, बट कितने लोग एक्चुअली में इसे फॉलो करते हैं, देयर आर लाइक लिटरली वेरी फ्यू पीपल जो कि इसे फॉलो करते हैं, बट अगर मेरी वीडियो से अगर कोई लिटरली कुछ लोग भी इसको फॉलो करेंगे तो आई विल बी हैप्पी कि कुछ हेल्प मैंने की आप लोगों की। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप में से कौन कौन ये फॉलो करने वाला है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कौन कौन ये स्किन केयर फॉलो करने वाला है, एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।